लोगों की फीडबैक बता रही है कि लॉकडाउन कर्फ्यू के फैसले में देरी भी हुई है और चूक भी हुई है। हमीरपुर लॉकडाउन में परेशान जनता की फीडबैक ने ये साबित कर दिया है कि सरकार से लॉकडाउन के फैसले को लेकर लगातार चूक हुई है। ये बात राज्य उपाध्यक्ष एवं विधायक जिंद राणा ने कहा। राणा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के उत्तरी क्षेत्र में फंसे हिमाचलियों की समस्याओं को सुनने व उनका यथासंभव निवारण करने के लिए अधिकृत किया गया है। राणा ने कहा कि जनता से मिल रही फीडबैक में ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने में देरी करके लॉकडाउन का फैसला भी देरी से लिया है। इस बड़ी चूक के कारण देश आज दुर्दशा की दशा में है, क्योंकि कोरोना वायरस आखिर आया तो विदेशों से ही आया है। राणा ने कहा कि लॉकडाउन घोषणा से पहले इन सबको 2 दिन का समय मिल जाता तो ऐसे हालात ना होते। राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर अपने लोगों को घर लाने का प्रयास करें, क्योंकि अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश को कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुए 30 दिन का समय गुजर चुका है, और बाहर से बहुत सारे लोगों की जो फीडबैक आई है उनका ये कहना जरूर रहा है कि देश की हमारी जो केंद्र की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं फैसले लेने में देरी कर गई। पहली बात यह है कि जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अगर उनको समय रहते सीज कर दिया होता, मार्च के पहले सप्ताह में भी सीज कर दिया होता, तो आज देश में ये हालात ना होते, क्योंकि वायरस जो है बाहर से आया है। लोगों का ये कहना है कि ये जो वायरस है वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, ये बाहर के मुल्कों से आया, और बाहर से आने वाले लोगों को अगर जो है सरकार रोक देती या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो थे उनको सीज कर देती, आज भी तो सीज हुए हैं, अब उसमें सीज कर देती तो ये वायरस इस तरह से ना फैलता। दूसरा लोगों का ये कहना है कि जिस तरह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री देश के सामने लाइव आई और उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस जो हमारे देश में घुस रहा है और लोगों को बचाने के लिए हमें 4 सप्ताह का लॉकडाउन करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको 2 दिन का समय देती हूँ, 48 घंटे उन्होंने दिए कि जो लोग अपना राशन खरीदना चाहते हैं, जूट का सामान खरीदना चाहते हैं, अपने घरों में जाना चाहते हैं, उनके लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है, वो अपने अपने घरों में जाएं और अपना अपना सामान खरीद के घरों में रहें, और आपको 4 सप्ताह जो है लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। उसी तरीके से लोगों का ये कहना है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस दिन लाइव देश की जनता के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि 22 मार्च को जो है वो जनता कर्फ्यू रहेगा, लोगों ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री उसी दिन अगर ये कह देते हैं कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहेगा और 24 तारीख रात को जो है हम 4 सप्ताह के लिए 3 सप्ताह के लिए देश को लॉकडाउन करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए इसके अलावा हमारे कोई पास कोई विकल्प नहीं है, तो लोग ये कहते हैं कि अगर उस दिन ये डिक्लेयर कर देते तो 2 दिन का समय हमारा 22 के बाद 23 और 24 2 दिन हमें मिल जाते, तो लोग जरूरत का सामान भी घरों में खरीद सकते थे और वहीं पर जो है जो लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं वो अपने घरों में जा सकते थे। मेरा मानना यह है कि आज हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो पिछले 30 दिन में बहुत सारे लोगों के टेलीफोन, जिनकी बेटियां बाहर पढ़ाई के लिए गई हैं, कोई नौकरी पेशे में है, या बच्चे नौजवान जो है उनको नौकरियों से बाहर कर दिया गया, बच्चियां पीजी में रह रही हैं, रात को 2 बजे रोना शुरू कर देती हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए गए थे और बीच में लॉकडाउन की वजह से फंस गए। आज बहुत सारे लोग तड़फे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में आने के लिए, उनको लग रहा है कि हम अपने ही प्रदेश में बेगाने हो गए, ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आने के लिए भी अगर जो लोग कोशिश भी कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लोगों में इस बात की बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। तो अगर 2 दिन का समय देश की हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री अगर 2 दिन का समय दे देते लोगों का मानना यह है तो आज शायद ये हालात ना होते। मेरा मानना यह है कि आज सरकार को चाहिए कि जैसे राजस्थान की सरकार है, कोटा से उन्होंने बच्चे भिजवाए, बाहर से अपने यूपी वाले ले गए, आपके गुजरात वाले ले गए, और हिमाचल प्रदेश की सरकार इस दिशा में कुछ नहीं करे तो लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ती जा रही है। लोग अपने घर आना चाहते हैं, लोगों का बॉर्डर पे टेस्ट हो और उसके बाद अगर वो फिजिकली फिट हैं तो उनसे एफिडेविट लिया जाए, उनसे शपथ पत्र लिया जाए कि हमारे घर में कोई भी कल को घटना घटती है तो हम उसके जिम्मेवार होंगे, और दूसरा उनके ऊपर स्टैंप भी की जाए ताकि वो अपने घर से बाहर ना निकले। सरकार को कोई ना कोई, जैसे कि कई मुल्कों ने इस तरीके से कोई बेआउट निकाला, हिमाचल प्रदेश सरकार को भी कोई ना कोई बेआउट निकालना चाहिए था। आज प्रदेश के जो हमारे लोग
बाहर हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतने नौकरियों के संसाधन नहीं है कि नौकरियां हिमाचल प्रदेश सरकार दे सके। लोग पंजाब में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बद्दी में जो नौकरियों करने के लिए गए थे, जो नौकरियों से बाहर भी कर दिए गए कई लोग, और इसी तरह अन्य राज्यों में नौकरियों से बाहर कर दिए गए, वो लोग घर आना चाह रहे हैं। कईयों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, कईयों के पास राशन खत्म हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत में लोग हैं। इसलिए सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। आज 30 दिन हो गए, सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार बोला जा रहा है सरकार को कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए। अगर दूसरे प्रदेशों के लोग वहां उनको अपनी उनकी वहां की सरकारें वापस लेके जा रही हैं, तो हिमाचल प्रदेश को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। और रिजेंटमेंट तब पड़ रही है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग जो है उनके लिए पासी जारी हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल लोगों की बातें आ रही, कोई ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनकी बातें आ रही, तो लोगों में और ज्यादा रिजेंटमेंट पड़ रही है कि एक प्रदेश में दो तरह से कानून नहीं हो सकते हैं। इसलिए आम जनता की बारे में सरकार सोचे, और दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर जो ये विस्फोट की तरह ये लावा के रूप में जो लोगों में गुस्सा फूट रहा है, इससे प्रदेश सरकार को बचना चाहिए और अपने लोगों की सुध लेना चाहिए। धन्यवाद।